YouTube चैनल जी के आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि एक साफ शरीर में ही साफ मन का विकास होता है, लेकिन एक साफ मन और एक साफ शरीर किसी गंदे शहर में निवास नहीं कर सकता। आज हम देश के उन शहरों की बात करेंगे जो इस साल के स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में सबसे आगे रहे हैं, लेकिन आज हम उन राज्यों के शहरों की भी चर्चा करेंगे जो राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के इस साल की रिपोर्ट में सबसे गंदे शहर घोषित किए गए हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि भारत का कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर बना है और कौन सा ऐसा शहर है जो भारत का सबसे गंदा शहर बना है। इस साल साफ शहरों का जो सर्वेक्षण किया गया उसके तरीके को थोड़ा सा बदला गया है, और तरीके में जो परिवर्तन किया गया वो ये परिवर्तन किया गया है कि इस बार पहली बार किसी शहर की जनसंख्या को आधार मानकर उसको साफ और गंदे शहरों की श्रेणी में रखा गया है। यानी 10 लाख से ऊपर के जो साफ शहर हैं उनको एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, 1 लाख से जो ऊपर के साफ शहर हैं उनको एक अलग कैटेगरी बनाया गया है, 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उनको एक अलग साफ श्रेणी में रखा गया है। तो इस बार जनसंख्या के हिसाब से किसी शहर को स्वच्छता का दर्जा प्रदान किया गया है। तो हम आपको बता दें, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बना है। इंदौर सिर्फ ये पहली बार कारनामा नहीं किया है, बल्कि 2017 से अभी तक, यानी कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर को मिला है। तो थोड़ा सा यहां पर रिकॉर्ड को देखिए, 10 लाख से ज्यादा आबादी, 10 लाख से ज्यादा आबादी में सबसे साफ शहर अच्छे से इसको देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। सबसे पहले नंबर पर रहा है इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। और मैं आपको बता दूं ये भी कि लगातार चौथी बार 2017, 2018, 2019 और अब 2020, 4 साल से इंदौर का मुकाबला कोई भी शहर नहीं कर पाया है। दूसरे नंबर पर भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर रहा है उसमें सूरत, और सूरत गुजरात, जबकि तीसरे स्थान पर रहा है नवी मुंबई, और नवी मुंबई जिस राज्य का हिस्सा है वो राज्य है महाराष्ट्र। तो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार चौथी बार, सूरत दूसरे नंबर पर और नवी मुंबई तीसरे नंबर पर। तो ऐसे शहरों पर हमें गर्व है जो स्वच्छता के मामले में इस समय भारत में सबसे उच्च स्थान बनाए हुए हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली, जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है, यह स्वच्छता के मामले में काफी पिछड़ गया है। भले कहने के लिए दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, लेकिन स्वच्छता के मामले में उसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। आइए हम थोड़ा सा भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में यहां पर जानते हैं। भारत की राजधानी अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को हम 4 क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली। आइए हम एक एक कर देखें कि भारत की राजधानी दिल्ली का क्या पोजीशन है। 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत की राजधानी अगर दिल्ली की बात की जाए तो दक्षिणी दिल्ली का स्थान
31वें नंबर पर हैं, पश्चिमी दिल्ली का स्थान 46वें नंबर पर है और उत्तरी दिल्ली का स्थान 43वें नंबर पर है। तो यहां पर मैं तीन क्षेत्रों की चर्चा यहां पर किया हूं, मतलब दिल्ली की जो चार क्षेत्र हैं उन चार क्षेत्रों में दक्षिणी दिल्ली 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31वें नंबर पर है स्वच्छता के मामले में, पश्चिमी दिल्ली 46वें नंबर पर है, उत्तरी दिल्ली 43वें नंबर पर है। अभी मैं इस लिस्ट में पूर्वी दिल्ली के स्थान को नहीं रखूंगा, इसलिए कि पूर्वी दिल्ली भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ में ये शामिल नहीं है, ये गंदे शहरों में शामिल है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे अगर गंदे शहरों की बात की जाए तो उसमें पूर्वी दिल्ली का स्थान आएगा, स्वच्छ शहरों में नहीं आएगा। स्वच्छ शहरों में किसका किसका नाम आएगा? दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली। अभी हम यहां पर अब समझते हैं कि ये तो हो गए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले भारत के सबसे स्वच्छ शहर। अब आइए हम देखते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के सबसे गंदे शहर। तो जहां स्वच्छ शहर हमारे शान के प्रतीक हैं, उन शहरों के सफाई कर्मचारियों, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो या फिर सांसद हो, वहां की राज्य सरकारों को भी हम प्रशंसा करेंगे इसके लिए। लेकिन 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के सबसे गंदे शहरों की बात की जाए तो इसमें सबसे नंबर वन स्थान पर रहा है बिहार की राजधानी पटना। भारत का सबसे गंदा शहर बना है बिहार की राजधानी पटना। दूसरे नंबर पर है पूर्वी दिल्ली, यहां देखें, इसलिए मैं वहां पर नहीं लिखवाया। पूर्वी दिल्ली 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत का दूसरा सबसे गंदा शहर है। जबकि अगर हम तीसरे स्थान पर बात करें तो तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के सबसे गंदे शहर पटना, पूर्वी दिल्ली और चेन्नई हैं। तो देखिए यहां पर हम इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंदौर लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना और पटना जो बिहार की राजधानी है, जहां पर नीतीश कुमार बराबर ये कहते हैं राज्य में सबसे अधिक स्वच्छता के मामले पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यहां जो पटना की जो वास्तुस्थिति सामने आई है उससे इस सरकार के स्वच्छता के सारे मापदंड बिल्कुल एक ख्याली पुलाव बनकर रह गया है। इसका मतलब साफ हो गया है कि पटना में कोई ना कोई ऐसी स्थिति है जिसके चलते भारत का ये सबसे गंदा शहर बना है। तो पटना जो बिहार की राजधानी है, अगर मैं इंदौर और पटना की बात करूं तो एक इंदौर में राह चलता एक सामान्य नागरिक अगर वो अपने स्कूटी से, अपने बाइक से कहीं जा रहा है, तो इंदौर के लोगों की मैं खास बात देखता हूं कि वो अपने अब स्कूटी तक पर डस्टबिन रख रहे हैं ताकि अगर कोई चीज वो रास्ते में खा रहे हैं तो रास्ते में खाते समय उस कचड़े को डस्टबिन में डाल सके, यानी वो अपनी गाड़ियों में डस्टबिन लगा दिए, दुपहिया जो वाहन है उसमें लगा दिए। लेकिन यहां देखिए पटना की स्थिति क्या है। पटना में जब लोग राह चलती कोई चीज खाते हैं ना तो उसको बड़े शानो शौकत के साथ सड़कों पर फेंकते हैं, और इस फेंकने का कारण क्या है, एक सिंपल सा बस यही फंडा है कि बंदे मैंने खाकर किसी चीज को यहां पर फेंका तो मुझे यह दिखाना है कि मैं खाने वाला व्यक्ति हूं, मैं कंजूस नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं जो मैं खाता पीता रहता हूं, मतलब पैसे की मैं चिंता नहीं करता हूं, आप सामने वाले देखो और मेरा कुछ है अनुसरण करो, ये दिखाने की कोशिश होती है यहां पर कि नहीं मैं कुछ खा रहा हूं इसलिए सामने किसी का फेंका जाता है कि यार देखो मैंने खाया है, मैंने। ये स्थिति है पटना की और ये स्थिति है आपको इंदौर की। क्यों ना भला पटना पिछड़े और क्यों ना भला इंदौर आगे रहे। सरकारें लाख प्रयास करें, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लाख प्रयास करें, वहां के जनप्रतिनिधि लाख प्रयास करें, लेकिन अगर जनता अपने प्रयासों से आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में आप आगे कैसे आ पाइएगा, गांधी जी के सपनों को आप साकार कैसे कर पाइएगा। किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में अगर आपका मन सही से लगे तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्वच्छता के हर मापदंड पर ध्यान दीजिए।
अगर मैं 100 से ज्यादा साफ शहरों वाले राज्यों की बात करूं जहां पे 100 से ज्यादा साफ शहर हैं, तो उस मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ देखिए कितना अच्छा रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ का ये बना हुआ है, 100 से अधिक साफ शहरों में पहला राज्य छत्तीसगढ़। और यहां देख लीजिए 100 से कम साफ शहरों में झारखंड इसका बना है पहला स्थान। आप इन दोनों राज्यों की स्थिति देखिए, दोनों राज्य भारत के पिछड़े हुए राज्य माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले इलाके हैं, लेकिन इन राज्यों की स्थिति को देखिए तो ये बड़े बड़े और संपन्न राज्यों को टक्कर दे रहे हैं स्वच्छता के मामले में। छत्तीसगढ़ जहां पे 100 से अधिक अगर सिटी की बात की जाए तो इन 100 से अधिक सिटी वाले साफ राज्यों में सबसे नंबर वन स्थान पर छत्तीसगढ़ गया है, और 100 से कम साफ वाले शहरों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर झारखंड। ये बहुत ही गर्व की बात है इन दोनों राज्यों के लिए, और अनुकरणीय बात है उन लोगों के लिए जो अच्छे राज्य होने का दावा करते हैं लेकिन स्वच्छता के मामले में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुए हैं। अगर मैं इसी के रिकॉर्ड को थोड़ा सा उल्टा करके बताऊं, 100 से अधिक जो शहर वाले राज्य हैं उनमें सबसे गंदे राज्य का दर्जा किसको मिला है? कर्नाटक को। जिस राज्य में 100 से ज्यादा शहर हैं उस राज्य में सबसे गंदे राज्य के दर्जे के तौर पर सबसे नंबर वन स्थान पर रहा है कर्नाटक। और जिस राज्य में 100 से कम शहर हैं वैसे राज्यों में सबसे गंदे शहर में अरुणाचल प्रदेश आया है। तो 100 से ज्यादा शहरों वाले राज्य में सबसे गंदा राज्य कर्नाटक, और 100 से कम शहरों वाले राज्यों में सबसे गंदा राज्य अरुणाचल प्रदेश। अगर 10 लाख से कम आबादी वाले सबसे गंदे शहर की बात की जाए, यहां पर देखिए गंदे शहर 10 लाख से ज्यादा की मैं बात किया हूं, लेकिन 10 लाख से कम आबादी, 10 लाख से कम आबादी के सबसे गंदे शहर, चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या हालात हैं देश के शहरों का। 10 लाख से कम आबादी के सबसे गंदे शहरों को अगर देखा जाए तो इसमें भी सबसे नंबर वन स्थान पर बिहार का गया है। बिहार का गया पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बिहार का ही बक्सर, और तीसरे स्थान पर अबोहर पंजाब। तो 10 लाख से कम आबादी वाले गंदे शहरों की बात की जाए तो उसमें भी बिहार का गया बक्सर पहले और दूसरे स्थान पर, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की बात की जाए तो वहां पटना सबसे गंदे शहरों में। तो बिहार तो बिल्कुल यहां पर देखा जाए कि गंदे शहरों का एक रिकॉर्ड बना के रख दिया इस बार 2020 में। चलिए अब एक और रिपोर्ट हम देखते हैं, गंगा नदी के किनारे जितने भी भारत के शहर बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे जो भी इंडिया के शहर हैं उन सारे शहरों में सबसे स्वच्छ स्थान पर रहा है बनारस। 1 लाख से अधिक आबादी वाले गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं उनमें सबसे टॉप स्थान पर कौन है साफ सुथरे शहरों में? वाराणसी। यानी हम यहां पर इसको लिखा लिखेंगे 1 लाख से ज्यादा आबादी, 1 लाख से ज्यादा आबादी का गंगा किनारे का सबसे स्वच्छ शहर, 1 लाख से ज्यादा आबादी, 1 लाख से ज्यादा आबादी के मामले में गंगा किनारे जितने भी शहर हैं उनमें सबसे स्वच्छ शहर बना है वाराणसी।
ये पहले नंबर पर हैं। दूसरे स्थान पर है कानपुर, कानपुर, और तीसरे स्थान पर बिहार का बक्सर। यहां पर थोड़ा सा एक राहत बड़ी खबर है बिहार के लिए कि बिहार का बक्सर गंगा किनारे बसने वाले शहरों में सबसे साफ सुथरे शहरों में तीसरे नंबर पर है। और अगर देखा जाए गंगा के किनारे जितने भी शहर हैं उसमें सबसे गंदा शहर का रिकॉर्ड अगर देखा है तो इस बार सबसे गंदे शहर का रिकॉर्ड गाजीपुर सिटी उत्तर प्रदेश को मिला है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का गंगा के किनारे जो भी शहर हैं उन सारे शहरों में सबसे गंदा शहर बना है। तो अब थोड़ा सा हम ये देखें कि आखिर क्या वजह है कि इंदौर स्वच्छता के मापदंड में लगातार 4 साल से प्रथम स्थान पर आ रहा है। इंदौर में अलग अलग कचरे का अलग अलग निस्तारण किया जाता है। जैसे वहां पर सूखे कचरे के लिए अलग डस्टबिन है, गीले कचरे के लिए अलग डस्टबिन है, लेकिन उस शहर में इन दो कचरों के अलावा एक अन्य कचरा जिसमें खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उनके लिए एक अलग डस्टबिन बना होता है। तो इंदौर शहर में 3-3 डस्टबिन लगाए जाते हैं, एक गीले कचरों का, एक सूखे कचरों का, और एक वैसा कचरा जो सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं को लेकर होता है। अगर इंदौर के नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी सूचना इंदौर के जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने से बड़े अधिकारियों को देते हैं और ऐसे अधिकारी ऐसे नागरिकों पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। यही नहीं, इंदौर में कूड़े पर नज़र रखने के लिए एक कमांड सेंटर भी बनाया गया है और जो भी इंदौर में कूड़े की गाड़ियां हैं उन कूड़े की गाड़ियों पर GPS ट्रैकर लगाए गए हैं। अर्थात कूड़े वाली गाड़ी कहीं पर कूड़े उठाने के लिए गई और उस जगह पर वो गाड़ी अचानक खराब हो जाती है तो वहां पर तुरंत GPS ट्रैकर से पता चल जाता है कि ये गाड़ी कहां खराब हुई है और तत्काल प्रभाव से इंदौर नगर निगम वहां पे दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करता है ताकि आसानी से कूड़ा वहां से हटाया जा सके। इंदौर में बड़े बड़े जो सार्वजनिक कूड़ेदान थे उन सारे बड़े बड़े सार्वजनिक कूड़ेदान को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है और उसके जगह अब प्रत्येक घर में डस्टबिन की व्यवस्था वहां पर करा दी गई है ताकि इंदौर शहर के जो भी नागरिक हैं वह अपने घरों के कचड़ों को उस डस्टबिन में डाल सके और सफाई कर्मचारी उनके घरों से जाकर डस्टबिन से कूड़े को लाकर गाड़ियों में रखते हैं। इंदौर में जो कूड़ा बटोरने वाली जो भी गाड़ियां हैं जो कूड़े को ढोने का कार्य करती हैं उन सभी गाड़ियों के साइज को काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पहले इंदौर शहर में जो गाड़ियां होती थी कूड़ा उठाने वाली उन गाड़ियों की कैपेसिटी 300 घरों की कूड़ा उठाने तक की होती थी लेकिन अब ये 1000 घरों के कूड़े को भी आसानी से गाड़ी उठा सकता है तो उनके साइज को बढ़ा दिया गया है। इंदौर शहर में अगर देखा जाए तो सफाई अब दिन में नहीं होता है, इंदौर शहर में सफाई रात को होता है। जब लोग अपने सुबह सुबह घरों से उठकर निकलते हैं बाहर तो उनको सड़कें बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई देती हैं। ये सफाई कार्य अब रात में इसलिए किया गया ताकि लोगों को धूल वगैरह से किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए और मैं सबसे अधिक इंदौर के लोगों को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा और इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि इंदौर में जब किसी नवविवाहित जोड़ी की शादी होती है तो उस शादी के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को 7 फेरों की जगह कभी कभी 8 फेरा भी लेना पड़ता है और ये 8वां फेरा अपने घर और अपने शहर की सफाई को लेकर लेना पड़ता है। यहाँ तक कि देखने को मिलता है कि कभी कभी इंदौर शहर में किसी के घर शादी विवाह का मौसम होता है तो शादी विवाह के मौसम में जो भी घर आए मेहमान होते हैं उन घर आए मेहमानों को गिफ्ट के तौर पर डस्टबिन दिया जाता है ताकि वो कचड़े का सही ढंग से निस्तारण कर सके। मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके लिए बधाई दूंगा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और वहाँ के जनप्रतिनिधि तथा साथ ही साथ वहाँ के जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जुड़े हुए सफाई कर्मचारी हैं उन सफाई कर्मचारियों ने इतना बेहतरीन तालमेल इंदौर शहर में बनाया है कि वहाँ के नगर निगम ने उस शहर के सफाई का ब्रांड एम्बेसडर वहाँ के बड़े लोगों को न बनाकर वहाँ छोटे बच्चों को बना दिया है और छोटे बच्चों को जब ये सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो ये छोटे बच्चे जगह जगह पर सफाई जैसे कार्यक्रम को चलाते रहते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बड़े लोग इससे सीख ले सके। तो अगर लगातार 4 साल से इंदौर स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर आ रहे हैं तो ये ऐसे नहीं है, उसके अपने द्वारा किए गए कार्यों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।